धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।